हॉस्टल में हम किस तरह से बर्थडे से फाइनली 18 साल की होने वाली हूँ। अलोन के लिए बस कुछ भी फंकी सब पहन लो। पार्लर जहाँ पे मैं हमेशा ही आती हूँ, सो मैं वहीं पे गई। टेलर है वहाँ पे, मैंने फिटिंग के लिए दिया हुआ था ड्रेस को, उसने मुझे बहुत समझाया मनाया। और एंजॉय दिस। तो ये गिफ्ट दिए हैं अनुषा ने मेरे पास, कोई भी ऐसे छोटी बर्थडे और हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 4th of December, कल है मेरा बर्थडे गाइस। वैसे तो मेरा कोई भी प्लान नहीं है, अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। आज मेरा क्लास भी स्टार्ट हो रहा है ऑफ बोर्ड्स के लिए जो मैंने बैच लिया है, क्योंकि नीट के लिए तो पढ़ लिया, बोर्ड्स के लिए कौन पढ़ेगा। तो उसके लिए मेरा आज से बैच स्टार्ट हो रहा है। एंड हॉस्टल में ये होता है ना कि रात को 12 बजे तो बर्थडे सेलिब्रेट होना इज मैंडेटरी, मतलब होना ही होना है। तो मुझे लगता है कि मेरी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ तो करेंगी, एंड वो आज के व्लॉग में मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि क्या होता है रात के 12 बजे, क्या सीन रहता है और हॉस्टल में हम किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हेयर कट कराए हुए 4-5 मंथ्स हो चुके हैं, मतलब बाल कटवाए हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा स्प्लिटेंस आ गए हैं। क्योंकि मैं अगर सलोन भी जाती हूँ ना, तब भी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं दैट यू आर अ नीट एस्पिरेंट, यू शुड नॉट गो हियर, ये वो, ये तो बस यही करती रहती है, दिस दैट। तो भाई सेल्फ मेंटेनेंस नाम का भी तो चीज़ होता है, बाल तो कटवाते हैं एटलीस्ट लोग, तो बस मैं बाल कटवाने जाऊंगी और कुछ भी नहीं। और थोड़ा बहुत जो सेल्फ केयर होता है ना, जो कि मैंने सालों से नहीं किया, वो करूंगी। लाइक आई हैव टू डू वैक्स और बस नहा लेना और कुछ भी नहीं करना। एंड बर्थडे के लिए मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे पता था रात में कुछ ना कुछ होगा, तो एक सिंपल सा, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी माई 18th birthday, मतलब कि मैं फाइनली 18 साल की होने वाली हूँ। ओ माय गॉड, मतलब मैं हमेशा से जब भी बच्ची थी ना, सोचती थी कि कब मैं 18 साल की होंगी, फिर मैं कार लूंगी, बाइक लूंगी, आई विल बी लाइसेंस टू डू एनीथिंग, मतलब कुछ भी करो फिर आपको कोई बोलने वाला नहीं है। सो आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ डज ऑल दिस गोज एंड आई विल कीप ऑन शूटिंग। काम हो रहा है गाइस बहुत कसके, अभी तो मुझे जाना है नहाने के लिए, क्योंकि फिर जाऊंगी सलून, उसके बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट है 3 बजे से, 3 बजे से मे बी 7-8 बजे तक आई विल बी बिजी, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। सो लेट्स टेक बाथ एंड यस, मुझे तो मेरे रूम की तरफ देखने का भी टाइम नहीं मिल रहा। एंड ये देखो आप, कंडीशन ऐसे ही पड़ा हुआ है, वैसे भी आज रात को बहुत गंदा होने वाला है, तो सफाई करके कोई फायदा नहीं। सो या अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए। And guys, for hair wax, I'm using Stemio Natural Wax Powder. Now take a decent quantity and add rose water. और जिस भी एरिया में आपके हेयर्स है, आप उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। It will hardly take 5 to 7 minutes and painlessly आपके सारे हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। किसी भी वेट कपड़े से आप इसको थोड़ी देर तक रब करोगे and then सारे बाल गायब। I just love the results. The product link is in description. After taking bath, मैं गई सलोन के लिए, बस कुछ भी फंकी सब पहन लो एंड निकल लो। शावर नहीं लिया क्योंकि वहाँ सलोन में जाके वो ऑलरेडी शैम्पू करते हैं पहले, एंड बहुत अच्छा मसाज भी करती हैं ये। एंड दिस इज़ द पार्लर जहाँ पे मैं हमेशा ही आती हूँ, सो मैं वहीं पे गई एंड आई जस्ट टुक अ डिसेंट हेयर कट। उसके बाद शाम के वक्त में हम पानी पूरी खाने के लिए गए। गाइज, मैंने जो बर्थडे के लिए ड्रेस ऑर्डर किया था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा था, तो यहाँ पास में ही टेलर है, वहाँ पे मैंने फिटिंग के लिए दिया हुआ था ड्रेस को, और उसके बाद ड्रेस लेके हम चले गए हॉस्टल में। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 अप्रॉक्स। मैंने मेरे बालों को थोड़ा थोड़ा छोटा करा लिया है, और पीछे आप देख सकते हो मैंने थोड़ा बहुत अरेंज किया रूम को, क्योंकि नेहा ने बोला कि रूम को अरेंज कर लो, तो मैंने अरेंज किया। और अभी मुझे पता चला कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है रिया, तो उसने मेरे लिए केक ऑर्डर किया है रात के 12 बजे कट करने के लिए, और वो रहा मेरा ड्रेस वहाँ पड़ा हुआ है बुक्स के ऊपर में, तो वो ड्रेस मैं अभी पहनने वाली हूँ। मैंने सोचा था कि वो पहन के रिटर्न कर दूंगी, लेकिन वो मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम सो एक्साइटेड आप लोगों को दिखाने के लिए मेरा बर्थडे ड्रेस। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना शुड आई रिटर्न दिस ड्रेस और नॉट। और थैंक यू सो मच इतने सारे मुझे, मैंने बोला था कि मैं शॉर्ट आउट दूंगी कि जो भी मेरा बर्थडे डेट सही गेस करेगा, एंड इतने सारे लोगों ने मेरा बर्थडे गेस सही किया। सो थैंक यू एवरीवन। एंड अभी देखते हैं क्या करती है वो लोग। फिलहाल तो मैं ऐसी पड़ी हुई हूँ, कुछ खाना भी नहीं खाया है,
हाँ, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था खाना खाने का, बस ऐसे खुशी खुशी बबली वाली फीलिंग आ रही है। हाँ ना, बस एट द सेम टाइम एक्चुअली मैं बाहर गई थी जब मेरी जो ड्रेस थी वो मुझे बहुत ज़्यादा ढीला आ रहा था, जबकि मैंने एम साइज ऑर्डर किया था तो मुझे स्मॉल ऑर्डर करना था एक्चुअली। तो मैं गई थी उसको फिट करवाने के लिए, जो कि 15-20 मिनट में हो गया। फिर मेरा लेक्चर स्टार्ट हुआ, और अभी मतलब मैंने लेक्चर थोड़ा लेट से स्टार्ट किया था, तो अभी जाके मेरा लेक्चर क्लासेस ख़त्म हुए हैं। और मुझे शूज़ भी चाहिए थे पर मैंने वो नहीं लिया, तो लेट्स सी। मैंने सोचा था कि मैं ये ड्रेस रिटर्न करके शूज़ ले लूँगी लेकिन अब पता नहीं यार क्या करना है। आप लोग आगे व्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस अभी मैं आई हूँ मेरी फ्रेंड के रूम में जी। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, क्योंकि फिर कुछ हुआ ऐसे लाइक नेहा से मेरी कुछ वैसी बात हो गई और वो डिस्टर्ब थी फैमिली की वजह से। इस वजह से उसने मतलब बोला कि तू कर ले जो भी है, आई एम सॉरी आई कॉन्ट बी पार्ट ऑफ ऑल दिस। सो आई वॉज लाइक ओके लेट इट बी नाउ, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। एंड देन व्हाइल आई वॉज स्लीपिंग देन अनुषा मेरे रूम में आती है, उसने सारा मेकअप का सामान निकाला अपने रूम में लेके आई मुझे, और फिर मेरा मेकअप करना स्टार्ट किया। पहले मैंने बहुत नखरे किए, रोना धोना किया, लेकिन फिर उसने मुझे बहुत समझाया मनाया और वो अपने रूम में ले आई मुझे मेरा मेकअप करने के लिए। तब तक नव्या वो मेरे रूम में डेकोरेशन कर रही थी, और आप मेरा शक्ल देख ही सकते हो उतरा उतरा, और ये इतने सारे मेकअप के सामान। एंड देन फाइनली विद अ गुड मूड 12 बजे मेरा केक कट हुआ, एंड एंजॉय दिस। इन प्रोग्रेस है ये मैगी, तो ये केक बचा हुआ, ये पूरा भी कचरा फैला पड़ा है यहाँ पे। मैगी खाते हैं, बहुत भूख लगी है कस के। कुछ ऐसा हो गया क्योंकि सारे बलून्स तो फोड़ दिए, फिर वहाँ पे उसके ऊपर रख के केक कट किया था, इधर मैस 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 बहुत कचरा है गाइस। कल का तो मेरा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। एंड दीज आर द स्टफ, ये टॉयज जो है ना, ये अनुषा ने गिफ्ट किया है, लव इट। तीन तीन है, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं, मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। और अभी हो जाता है मेरा गुड नाइट और कल फिर कंटिन्यू करते हैं। हाय गाइस, तो आज का पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि रात को मैं 4-5 बजे के समथिंग सोई थी, क्योंकि बहुत सारे बर्थडे विशेज एंड कॉल्स वगैरह थे, तो उन सब को रिप्लाई करके सोई। एंड दोपहर में 1 बजे उठी, फिर मेरी एक क्लास मिसिंग थी, वो क्लास किया। एंड क्लास करने के बाद शाम के वक्त में गई मंदिर और फिर खाया गाजर का हलवा। बस ऐसे बन गया पूरा दिन। रात को भी मुझे कोई फैंसी डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए था, वो दोनों ने कर दिया, तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उन सब के लिए खाना ऑर्डर कर दिया, सब लोग ने खाना खा लिया आज, और मैं कहीं भी बाहर नहीं गई क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इतना ज़्यादा करना। इस बार तो बिल्कुल भी करने का मन नहीं था, क्योंकि इस बार मेरे नीट्स भी हैं, बोर्ड्स भी हैं, सो इस वजह से बस मंदिर गई, कुछ देर रही क्योंकि मम्मा ने बोला था मंदिर जाने को। एंड थैंक यू सो 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 मच इतने सारे बर्थडे विशेस के लिए, मतलब लिटरली दिल से खुशी होती है जब इतने सारे लोग आपको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, क्योंकि यहाँ हॉस्टल में रह के लगता है कि कोई भी आपका अपना नहीं है,
कोई भी नहीं, लेकिन जब मैंने इतने सारे बर्थडे विशेस देखे, थैंक यू सो मच गाइज, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू। तो ये गिफ्ट दिया है नव्या ने, इसमें ढेर सारे इयररिंग्स हैं और ये टॉप है ब्राउन कलर का, बहुत ही एस्थेटिक और अच्छा सा एंड बहुत ही प्यारा गिफ्ट है ये। देन ये रिंग्स का सेट है, इसमें बहुत सारे रिंग्स हैं एज अ लव ज्वेलरीज एंड इयररिंग्स एंड रिंग्स। तो ये रिंग्स एंड ये जो छोटे छोटे यूनिकॉर्न के टॉयज़ हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं, ये दिए हैं अनुषा ने। मेरे पास कोई भी ऐसे छोटे छोटे टेडीज़ वगैरह नहीं थे, तो अनुषा ने मुझे ये दोनों चीज़ें दिए हैं। एंड देन ये जो थोड़े बहुत मेकअप के सामान हैं, अभी रिसेंटली मेरा मस्कारा खो गया था, तो ये मस्कारा और ये सारे सामान दिए हैं नेहा ने, थैंक यू सो मच। एंड ये जो मेरा फेवरेट गिफ्ट है, ये दिया है रिया ने, ये वुडन का है, इसके ऊपर मेरा फ़ोटो है और लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे और हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल, सो थैंक यू सो मच रिया, वो यहाँ नहीं होगे भी मेरे लिए इतना कुछ की, आई लव यू गाइज एंड थैंक यू सो मच। एंड या गाइज वन मोर थिंग, मैं आने वाली हूँ अन अकेडमी पे फिर से लाइव, ये मेरा सेकेंड सेशन है जिसपे हम जो रूटीन है टाइम टेबल नीट एस्पिरेंट के लिए वो डिस्कस करेंगे, वॉट टाइम टेबल डू आई फॉलो एंड वॉट डू यू गाइज फॉलो, आप लोग वो भी बताना। तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर 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 से आना अनअकैडमी ऐप पे, इंस्टॉल करना और लाइव सेशन ज्वाइन करना, हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। लास्ट लाइव सेशन में इट वॉज रियली फन बट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। एंड लिंक ज्वाइन करने के बाद अगर आपको कोई कोड वगैरह मांगे तो आप बस उसमें अनअकैडमी लिख देना, वो खुल जाएगा, सो नॉट अ बिग डील। इस वजह से पिछली बार बहुत कम लोग ज्वाइन कर पाए थे क्योंकि फिर वहाँ पे कुछ मांग रहा था, तो आपको उसमें अनअकैडमी लिखना है बस। मेरा लाइव सेशन होने वाला है 7th of December को रात को 9 बजे, सो आप लोग जरूर 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 ज्वाइन करना। तो सी यू गाइज देयर। और ये थे मेरा बर्थडे का व्लॉग, आई होप यू गाइज लाइक इट, और ऐसा कुछ खास था नहीं बट ओके आई एम एन एडल्ट नाउ। सो या गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।